नमस्कार, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो डॉलर चने की आवक है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। चूंकि डॉलर चने की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है तो डिमांड में भी वृद्धि जो है देखने मिल रही है। किस तरह की डिमांड है और क्या कुछ आवक है इसके इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं जो डॉलर व्यापारी हैं उनके पास। सुलभ जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये, किस तरह की आवक अभी हमारे पास है और क्या कुछ भाव अभी डॉलर के चल रहे हैं? डॉलर चने की आवक फिलहाल कुछ कम है, शादी ब्याह के कारण थोड़ी सी मंडी में आवके कम है, पर डॉलर चने का उत्पादन अच्छा है, डॉलर चने की बोनी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए डॉलर चने की आवक आगे आने वाले समय में ज़रूर मंडियों में बढ़ेगी। हाल फिलहाल में डॉलर चने में 100-200 रुपए की तेजी मद्दी रोज हो रही है। आज बाज़ार कुछ 100 से 200 रुपये मद्दा है। डॉलर का कोई कंटेनर का व्यापार कुल 115 रुपये 116 रुपये 44 चेयर डिस्काउंट के हिसाब से आज व्यापार हुआ है। कल कुछ ये 117-118 रुपये था, तो कल से आज में कुछ 100 से 200 रुपये की मद्दी अनुमानित है। यदि बात करें तो लगातार आवक जो है डॉलर चने की बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हम क्या संभावना जता सकते हैं भाव को लेकर? डॉलर चना 10,000 रुपये के अगर ऊपर मंडी में बिकता है नीलाम में तो किसान माल लेके आएगा, अन्यथा 10,000 के अंदर अगर माल बिकता है तो किसान अपना माल नहीं बेचता है। और अगर बाज़ार इसी तरह से स्टेबल रहा तो 2,000-5,000 बोरी की आवक जो रेगुलर में हो रही है वो आवक कंटिन्यूशन में होती रहेगी। निमाड़ की मंडियों में आवकें बढ़ी हैं, निमाड़ की मंडियों में उत्पादन भी अच्छा हुआ है, वहाँ क्वालिटी भी अच्छी है, और पूरा का पूरा बाज़ार जो है एमपी का डॉलर का निमाड़ के ऊपर डिपेंड रहता है। निमाड़ की मंडियों पर वहाँ अगर आवक कुछ कम होती है तो यहाँ पर कंटेनर में बाज़ार हमको थोड़े से तेज देखने को मिलते हैं, अन्यथा बाज़ार एक 10,000-11,200 से 11,500-11,700 के बीच में रेंज बाउंड में स्थिर है। यदि हम बात करें तो लगातार जो आवक है वो बढ़ रही है और पिछले साल की तुलना में इस साल किस तरह की आवक रही, साथ ही साथ पिछले साल की तुलना में इस साल भाव में किस तरह का अंतर हमको देखना? पिछले साल सीज़न में कहीं भी 9,000 से 10,000 रुपये की रेंज में माल बिक रहा था, अब की बार 10,000 से 10,700-800 रुपये ऊपर में 11,000 तक माल बिका है। पिछले साल से भाव तो बढ़ा ही है क्योंकि डॉलर ने पिछले साल एक अपने आप में रिकॉर्ड हाई कायम करा था, 16,200 से 16,300 रुपये कंटेनर के भाव हो गए थे, और किसानों को बीज में भी चना कहीं भी 17,000-18,000 के रुपए के भाव में मिला था। तो पिछले साल की हाई रेंज से तो अभी 5,000 रुपये डॉलर चना नीचे ही है, पर भविष्य में डॉलर में अगर आवक नहीं बढ़ती है या डॉलर का उत्पादन में कहीं कुछ गिरावट आती है तो इस साल हमें वापस से डॉलर चने के भाव कहीं भी 14,000-15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम बात करें तो डॉलर चने की डिमांड किस तरह की है और कहाँ कहाँ से हमारे पास अभी डिमांड जो है वो आ रही है? डॉलर चने की डिमांड लोकल, बाहर फॉरेन की, एक्सपोर्ट की डिमांड तो सब अच्छी है। फिलहाल कुछ मई के महीने में डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि गर्मी का सीज़न भी रहता है और आम वगैरह की आवकें भी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा कंजम्पशन डॉलर चने का कम होता है। अदरवाइज डॉलर चने की डिमांड जून के बाद से जुलाई अगस्त में बहुत अच्छी रहती है पानी के सीज़न में, और अगर बाज़ार को सपोर्ट इस तरह से मिलते रहा तो हमें भविष्य में डॉलर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो भाव है उससे कितना ज़्यादा हाई जो है इस साल डॉलर जा सकता है और कितना ज़्यादा कम जो है डॉलर जा सकता है, क्या संभावनाएं आपके व्यापार के जो है आपका दृष्टिकोण बोलता है? मेरे हिसाब से डॉलर चना 10,000 के नीचे तो जाता हुआ नहीं दिखता है। अगर डॉलर चने के भाव गिरने थे तो अभी तक डॉलर चने के बाज़ारों में मद्दी आ जाती, एक 11,200 से 11,500-11,700 की रेंज बाउंड में डॉलर चना घूम रहा है, इसी रेंज में अभी डॉलर रहेगा। भविष्य में कहीं भी हमको 13,000-14,000 के आसपास के भाव डॉलर में दिख सकते हैं, और अगर किसान का रुझान वापस से डॉलर बोने का रहा तो बोनी के समय वापस से 15,000-16,000 के भाव हमको डॉलर को देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ किस तरह का डॉलर चना होता है और किस तरह की डिमांड हमारे यहाँ के डॉलर चने की बाहर होती है? हमारे यहाँ का डॉलर चना की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, एमपी डॉलर चने का किंग कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे डॉलर चने की पहचान एक एमपी से ही मिली हुई है। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है एमपी की, निमाड़ पट्टी का डॉलर एकदम बोल्ड वाइट माल आता है जिसकी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, और बाकी जो बारीक माल रहता है उसकी लोकल में डिमांड रेट वाइज बहुत अच्छी रहती है। और कहना चाहिए दुनिया को डॉलर चना खिलाना तो सिर्फ एमपी वालों ने सिखाया है, उस हिसाब से क्वालिटी डॉलर की बहुत अच्छी है। पिछले साल से थोड़ी सी क्वालिटी में किसानों का कहना ऐसा रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी 19 ही आई है, पर फिर भी डॉलर की क्वालिटी दूसरे देशों की अपेक्षा हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पर तो ये थे डॉलर व्यापारी सुलभ जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार जो डॉलर की क्वालिटी है वो दूसरे देशों से भारत की जो क्वालिटी है वो बेहतर है। यही कारण है कि आने वाले समय में जो दाम है डॉलर के वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ते नजर आएंगे। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।